मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश के सभी उपायुक्तों, पुलिस अधीक्षकों, मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और चिकित्सा महाविद्यालय के प्रधानाचार्यों के साथ बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आम जनता प्रदेश सरकार द्वारा समय समय पर जारी की गई मानक संचालन प्रक्रियाओं का कड़ाई से पालन करें ताकि कोरोना महामारी के प्रसार को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में राज्य के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के अलावा गरीबों और कमजोर वर्गों के लोगों की आर्थिकी को सुदृढ़ करना भी सरकार का उत्तरदायित्व है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त मात्रा में है और केवल ऑक्सीजन के परिवहन के लिए सिलेंडरों की आवश्यकता है। राज्य सरकार ने प्रदेश में ऑक्सीजन सिलेंडरों की कमी को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर प्रदान करने का आग्रह किया है। केंद्र सरकार द्वारा प्रदेश के लिए स्वीकृत किए गए PSA ऑक्सीजन प्लांट को स्थापित करने के कार्य में तेजी लाने के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड-19 जांच की रिपोर्ट तैयार करने में समय को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए और इस कार्य में निजी प्रयोगशालाओं को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऊना और कुल्लू में प्रयोगशालाएं स्थापित करने को स्वीकृति मिल गई है, जिसके लिए 7 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए हैं। उन्होंने कहा कि 3 राजकीय महाविद्यालय और IIT मंडी में प्रयोगशालाएं स्थापित करने की संभावनाएं तलाशी जानी चाहिए। जयराम ठाकुर ने अधिकारियों और होम आइसोलेशन और अस्पतालों के मध्य समन्वय स्थापित करने के निर्देश दिए ताकि गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल स्थानांतरित करने में देरी लोगों की मृत्यु का कारण न बने। उन्होंने स्वास्थ्य विभाग को कोरोना कर्फ्यू के दौरान ऑक्सीजन, PPE किट्स, दवाइयों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी उपायुक्त संबंधित जिलों में बिस्तरों की क्षमता को बढ़ाने के अलावा कोविड जांच में भी तेजी लाना सुनिश्चित करें। अस्थायी अस्पतालों के संचालन के लिए आउटसोर्स और युक्तिकरण के आधार पर पर्याप्त श्रम शक्ति उपलब्ध की जानी चाहिए। उन्होंने महामारी के दौरान ऑक्सीजन और अन्य साधनों का उचित उपयोग करने को कहा। आज कोविड के सिलसिले में हमारी मीटिंग थी, जिसमें डेप्टी कमिश्नर्स, SP, CMOs एंड मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स, प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेजेस और उसके सभी अधिकारी वहां पर उसके साथ जुड़े हुए थे। प्रमुख रूप से आज की बैठक में विषय जो कोविड की सारी सिचुएशन के पश्चात हमने पिछले कल जो कैबिनेट में एक निर्णय लिया, निर्णय में हिमाचल प्रदेश में हमने तय किया कि अब थोड़ी सख्ती और ज़्यादा करने की आवश्यकता है और उस दृष्टि से हिमाचल प्रदेश में कोरोना कर्फ्यू हमने लागू करने का निर्णय किया है, वो कल से लागू हो जाएगा। उसकी इम्प्लीमेंटेशन प्रभावी हो, ठीक प्रकार से सारी चीज़ें वहाँ पर हों, लोगों को असुविधा भी नहीं हो, लेकिन उसके साथ साथ में लोगों को घरों से बाहर आने के लिए किस प्रकार से हम रोक सकते हैं, किस प्रकार से उसमें भूमिका निभा सकते हैं, वो सारी चीज़ के लिए कहा। और उसके अतिरिक्त हमने पूरा फीडबैक सभी जगह लिया है, बेड कैपेसिटी में क्या चल रहा है, ऑक्सीजन सप्लाई में क्या चल रहा है, हमारी दूसरी जो हमारी सप्लाई चेन जो है वो प्रॉपरली मेंटेन्ड है कि नहीं है, उन सारी बातों को लेकर के चर्चा हुई। फील्ड के जितने भी इश्यूज आते हैं उन सारी चीज़ों पर डिस्कशन हुए, डिस्कशन के पश्चात जो है कुछ निर्णय हुए हैं और उन बातों को लेकर के आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर राजीव सहजल ने इस महामारी को रोकने के लिए राजनीतिक नेताओं, अधिकारियों, चिकित्सकों, पैरामेडिकल कर्मचारियों और अन्य हितधारकों से इस महामारी से लड़ने के लिए समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने के लिए प्रेरित करने को मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। मुख्य सचिव अनिल खाची ने कहा कि सभी कार्यान्वयन प्राधिकरणों को इस महामारी के दौरान सभी साधनों का प्रभावी आवंटन सुनिश्चित करना चाहिए। उन्होंने होम आइसोलेशन को और अधिक सुदृढ़ बनाने पर बल दिया।